दोस्तों फैशन एक्सेसरीज और ज्वेलरी रिटेल में काम करने वाली टाटा ग्रुप की प्रमुख कंपनी टाइटन की सेल में जबरदस्त इजाफा हुआ है। वित्त वर्ष 2022 से लेकर 2023 के पहले 3 महीनों के आंकड़ों को देखें तो कंपनी के स्टोर की संख्या भी बढ़ी है और देश भर में उसने सैकड़ों नए स्टोर भी खोले हैं। दोस्तों कंपनी के पहले 3 महीनों के परिणामों के मुताबिक उसकी सेल में सालाना 205% का इजाफा हुआ है। हालांकि सेल में ये बढ़ोतरी पिछले साल कोरोना की दूसरी लहर की वजह से आई गिरावट के चलते दिख रही है और साथ ही साथ वित्त वर्ष 2019 से लेकर 2020 के 3 महीनों की तुलना में ये बढ़ोतरी 205% है। इस खबर के बाद टाइटन के शेयर में जोरदार तेजी देखी जा रही है। शेयर दोपहर 1 बजे करीब 6% बढ़कर ₹2127 पर कारोबार कर रहा था। दोस्तों टाइटन लगातार अपना विस्तार कर रही है। 30 जून तक देश भर में कंपनी के स्टोर की संख्या 2160 हो गई है। इसमें 120 स्टोर सिर्फ अप्रैल से जून के बीच खोले गए हैं। टाइटन कंपनी घड़ियां, परफ्यूम, चश्मे और ज्वेलरी जैसी फैशन एक्सेसरीज रिटेल में काम करती है। कंपनी के पास फास्ट ट्रैक, टाइटन, तनिष्क और स्किन परफ्यूम जैसे ब्रांड हैं। दोस्तों पीटीआई के मुताबिक कंपनी की तनिष्क ब्रांड के अंडर ज्वेलरी सेल भी इस दौरान बढ़ी है। सालाना आधार पर अप्रैल से लेकर जून के महीने में ज्वेलरी की बिक्री में 207% का इजाफा हुआ है। दोस्तों मई में अक्षय तृतीया के मौके पर हुई जबरदस्त सेल से कंपनी को अच्छा फायदा मिला है। अन्यथा पिछले 2 साल से कोविड की वजह से कंपनी की ज्वेलरी सेल का बहुत बुरा हाल था। साथ ही साथ कंपनी के आई केयर ब्रांड टाइटन आई प्लस की सेल भी सालाना आधार पर 176% बढ़ी है, जबकि कंपनी के परफ्यूम की सेल में 262% और फैशन एक्सेसरीज की सेल में 293% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। टाटा ग्रुप ने टाइटन ब्रांड को 1984 में शुरू किया था। इस बीच टाइटन का शेयर बीएसई सेंसेक्स पर गुरुवार को टॉप परफॉर्मर बनकर उभरा है। कंपनी का शेयर 5% से ज्यादा की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। इसका शेयर प्राइस ₹2143 चल रहा है। तो दोस्तों ये थी न्यूज टाइटन शेयर के ऊपर जो मैंने आप तक पहुंचाई है। तो दोस्तों इस न्यूज से अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो, कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो जरूर लाइक करना और शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज मैं लाता रहूंगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।